अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका हॉस्ट विकास आपका अपने चैनल का फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो अपना पुराना टॉपिक चल रहा था सी लैंग्वेज का, जो हम लोग डेली चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, उसको मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और सारे चैप्टर आज या कल में ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में और फटाफट आपको क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ें बची हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये डोएक वेरिएबल का हमारा चला था, लेसन नंबर 7 है ये, इसमें हम लोगों ने एरे तक पढ़ लिया था, इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनकी वीडियो आप नीचे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सारी चीज़ें सी लैंग्वेज के समझ में आ जाएंगी। बारीकी से भी एग्जाम्पल आपको समझाया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताए जाएंगे जो रिपीट होते हैं हर बार, और उसके यहाँ आपको दे दिए जाएंगे कम से कम 10-15 प्रोग्राम, वो आप ज़रूर तैयार कर लें पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर सी लैंग्वेज के लिए। तो आज हम बात करेंगे, अगला चैप्टर हमारा स्ट्रिंग, तो आज हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और बाकी जो चैप्टर बचेंगे जितना टाइम होगा उस हिसाब से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी स्ट्रिंग। तो थोड़ा समझ लें, इसमें हिंदी में मैं पढ़ाऊँगा इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल नहीं है, तो समझ गए आप लोग। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए करेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए करेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, इसलिए सी में करेक्टर एरे को स्ट्रिंग भी कहते हैं। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नल करेक्टर, नल करेक्टर आपको बता दें किस तरह का बनता है, अभी समय सी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल नहीं है इसलिए अभी आपको इसी से बता देते हैं नल करेक्टर कैसे टाइप किया जाता है। तो जब ये आप टाइप कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो नल हो जाएगी इस तरह से, तो ये वैल्यू को टर्मिनेट कर देगा जब आप ये टाइप कर देंगे, कुछ इस तरह से होता है नल, इसको कहते हैं नल। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नल करेक्टर से टर्मिनेट होता है। सी में आप स्ट्रिंग टू तरह से, मतलब दो तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले तरीके से आप एक फाइनाइट नंबर का एरे क्रिएट करते हैं और उसी और उसकी हर इंडेक्स में स्ट्रिंग का एक करेक्टर स्टोर करवाते हैं, इस एरे की लास्ट इंडेक्स में नल करेक्टर स्टोर करवाया जाता है, ऐसा करना आवश्यक होता है। इसका उदाहरण नीचे आपको दिया गया है, तो ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है कुछ इस तरह से, करेक्टर करेक्टर माई एरे ब्रैकेट में 4 है, फिर इस तरह से कुछ ये टर्मिनेट होगा। तो दूसरे तरीके में आप एक अनडिफाइंड करेक्टर एरे क्रिएट करते हैं और उसे एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, एरे ऑटोमेटिकली उतनी ही साइज का हो जाता है जितनी की स्ट्रिंग की साइज है। इस तरह के इनिशियलाइजेशन में नल करेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ये तरीका सी में स्ट्रिंग क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए इसे अधिक यूज किया जाता है। इसका उदाहरण नीचे आपको दिया गया, तो ये उदाहरण आप लोग देख लें, करेक्टर माई एरे इक्वल टू बी एम टी कुछ करके, तो ये देख लें। तो इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी में अगर मान लीजिए क्या कहते हैं स्ट्रिंग के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो आप ये लिख भी सकते हैं वहाँ पे। जब जब आप एक तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किस प्रकार यूज़ करते हैं, इसका उदाहरण आपको ये दिया जा रहा है, तो ये देख लें किस तरह से स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये स्क्रीन पर देख लें आप लोग, इसको नोट भी कर लें, ये आपका पहला प्रोग्राम है स्ट्रिंग का। जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है उसका आउटपुट आपका आएगा फर्स्ट फर्स्ट बे बी एम टी, सेकेंड बे बी एम टी बी एच टी, तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा इसका। उसके बाद देख लेते हैं गेट
एंड पुट फंक्शन, गेट और पुट फंक्शन जो होते हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग में। यदि आप स्ट्रिंग यूज़र में रन टाइम पर रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन को इसी पर्पज़ के लिए डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन में आप उस करेक्टर एरे का नाम पास करते हैं जिसमें आप स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं। इस फंक्शन का जनरल सिंटैक्स ये देख लें, इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से गेट का, तो आप पुट्स का देख लेते हैं। जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हैं वह दिए गए करेक्टर एरे को स्टोर करती है। यदि आप इस एरे से उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो आप लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सी लैंग्वेज आपको किसी करेक्टर एरे को एक कंप्लीट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करने के लिए पुट्स फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। इस फंक्शन में वो करेक्टर एरे पास किया जाता है जिसे आप कंप्लीट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स जो आपका स्ट्रक्चर है वो नीचे दिया गया, देख लें पुट्स का। तो अब बात करते हैं इन दोनों फंक्शन का यूज़ उदाहरण के रूप में, आप लोग देख लें किस प्रकार से यूज़ होगा। तो ये एग्जांपल दिया गया आपको, इसका आउटपुट आएगा व्हाट इज़ बीएसटी बेस्ट हिंदी ट्यूटोरियल इनपुट, एंड आंसर आएगा बेस्ट हिंदी ट्यूटोरियल्स। तो अब बात करते हैं अदर स्ट्रिंग फंक्शन की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी पूछे जाते हैं। स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज आपको और भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। इन सभी फंक्शंस के बारे में नीचे आपको दिया गया है। तो पहला है स्टार लेंथ, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग लेंथ होती है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसटीआरएलईएन, इस प्रकार से एसटीआरएलईएन। जब भी प्रोग्राम कोई रन करेंगे लेंथ के हिसाब से, तो जब लेंथ कोई कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन में आप उस करेक्टर एरे का नाम पास करते हैं जिसमें स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है। इसका सिंटैक्स ये कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स है, देख लें। तो ये था एस टी आर लेंथ, ये लेंथ का था। अब आपको बताते हैं एस टी आर सी पी वाई, ये कॉपी करने के लिए होता है एस टी आर, इसको भी सब याद कर लें आप लोग, एस टी आर सी पी वाई, एक ये फंक्शन होता है। सही, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये फंक्शन एक एरे से स्ट्रिंग को दूसरे एरे में कॉपी करने के लिए यूज़ किया था। इस फंक्शन का पहला आर्गुमेंट वह करेक्टर एरे होता है जिसमें आप स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट उस करेक्टर एरे का होता है जिसमें आप स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। इस फंक्शन का सिंटैक्स आपको ये दिया गया है एस टी आर कॉपी का। तो ये था एस टी आर कॉपी। तो अब बात करते हैं एक और लास्ट है इसमें, ये आपका इसके कॉम्बिनेशन फंक्शन है एस टी आर सी ए टी, एस टी आर सी ए टी, इस प्रकार से है। ये फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंबाइन कंसंटिनेट करता है। इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, ये दोनों आर्गुमेंट करेक्टर एरे होते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होता है तो दोनों स्ट्रिंग कंबाइन हो जाती है और रिजल्ट दूसरी तरफ करेक्टर एरे में स्टोर किया जाता है। तो उसका उदाहरण जो है आप लोग इस प्रकार से देख लें स्क्रीन पे। तो ये सिंपल सा था स्ट्रिंग के बारे में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया सी स्ट्रिंग, तो उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।